अचानक आरोप और गिरफ्तारी से भूपेश बघेल की घबराहट साफ जाहिर हो रही है। बृजमोहन अग्रवाल ने बताया, इस तरीके के कुत्सित प्रयास कर कांग्रेस सरकार ने पूरे आदिवासी समाज को किया अपमानित। बृजमोहन अग्रवाल ने बताया, भानुप्रतापपुर उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशी ब्रह्मानंद नेताम की गिरफ्तारी को लेकर झारखंड पुलिस छत्तीसगढ़ पहुंच चुकी है। ब्रह्मानंद नेताम के खिलाफ कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम ने दुष्कर्म के मामले का आरोप लगाया था। यह मामला झारखंड टेलको थाना में दर्ज है, जिसके चलते झारखंड की पुलिस गिरफ्तार करने छत्तीसगढ़ पहुंची है। इस सारे मामले पर मीडिया को अपना बयान देते हुए उपचुनाव प्रभारी बृजमोहन अग्रवाल ने कहा, 3 साल से इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं हुई। मोहन मरकाम जी द्वारा पीड़िता का नाम उजागर करना, इस प्रकार गिरफ्तारी का मामला सामने आना, चुनाव में प्रत्याशी के खिलाफ कार्रवाई करना लोकतंत्र की हत्या है। भाजपा इसे डरने वाली नहीं है। अगर हमारे प्रत्याशी को जेल हुई तो भी कोई बात नहीं, जनता व कार्यकर्ता मिलकर ब्रह्मानंद नेताम को चुनाव जिताएंगे। बृजमोहन अग्रवाल ने सरकार के ऊपर आरोप लगाते हुए कहा, इस मामले का ना कोई समान है ना कोई आदेश जारी हुआ है, अचानक ये आरोप लगा दिए और आज गिरफ्तारी भूपेश बघेल की घबराहट को साफ जाहिर करती है। उन्हें हार की आशंका लगातार सता रही है, जिस कारण से वो हर इस प्रकार की हरकत करते आ रहे हैं। पड़ोसी राज्य के साथ मिलकर कर रहे, जिस दिन से हमने ब्रह्मानंद नेताम को अपना प्रत्याशी घोषित किया है उसी दिन से पूरी कांग्रेस सरकार हिल गई है। पहले दिन कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम के जब ये आरोप लगाते हुए बयान व कागजात जारी किए, तभी से यह समझ में आ गया था कि यह छत्तीसगढ़ सरकार और झारखंड सरकार की मिलीभगत है। सभी तरह न्यूज सच की आवाज, हमारे संवाददाता की खास पेशकश। आदिवासी समाज का अपमान है और आदिवासी समाज पूरे ब्रह्मानंद भानुप्रतापपुर क्षेत्र का अपमान है। यहाँ के एक एक बच्चा से लेकर महिलाओं से लेकर नौजवान से लेकर सब लोग किसान उसको जानते हैं और वो ऐसा कर सकता है, इसको कोई मानने तैयार नहीं है। देखिए, नहीं बनाना चाहिए था। सबसे पहले तो कांग्रेस की सरकार को मोहन मरकाम को गिरफ्तार करना चाहिए था। पास्को एक्ट में कोई भी जो पीड़िता है उसका नाम नहीं लिया जा सकता। 282 के अंतर्गत मोहन मरकाम अपराधी है और उसको ट्वीट भूपेश बघेल ने किया है, वो भी अपराधी है। तो पहले छत्तीसगढ़ सरकार भूपेश बघेल को गिरफ्तार करे, मोहन मरकाम को गिरफ्तार करे और झारखंड सरकार की हिम्मत है क्या कि छत्तीसगढ़ में आकर किसी को गिरफ्तार कर ले। छत्तीसगढ़ सरकार के षड्यंत्र के कारण वहाँ की पुलिस यहाँ पर आई है। भूपेश बघेल और उनकी मंत्री लगातार इस क्षेत्र से नाराज थे और पुलिस आई हुई है, क्या लग रहा है पुलिस के आने का इंतजार कर रहे थे कांग्रेस? ऐसा है कि जो सरकार की यूं यूं होती है वो खुद काम नहीं करती, वो दूसरों को बुलाती है और इसलिए वो अपने भरोसे चुनाव नहीं जीत सकता, तो झारखंड सरकार का उपयोग कर रहा है।